नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ जिसका आपने प्रथम चरण जो है पास कर लिया है, जो पीएसटी आपने क्लियर कर लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये फॉर्म भरे गए थे। टोटल जो आपकी पोस्ट 789 पोस्ट थी, जिसके अंदर आपकी कॉन्स्टेबल रैंक से लेकर के हेड कॉन्स्टेबल एएसआई एसआई रैंक तक की इसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी थी। तो आपने पहला चरण पास कर लिया, दूसरा चरण जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, तो रिटर्न एग्ज़ाम का आप जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे, मेरी ये आशा है। लेकिन अब देश में कोरोना महामारी के कारण जो ये एग्ज़ाम आपका होना था, मई के अंदर कंडक्ट करवाना था, ये पोस्टपोन्ड हो गया है और इसकी कन्फर्म डेट निकल के आ रही है कि जो आपका ये एग्ज़ाम है ये आपका जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपसे कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये न्यूज़ सीआरपीएफ के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है। अब बात आती है दोस्तों कि अब आपके पास में समय केवल जून और जुलाई, दो महीनों का आपके पास में समय है और मई वाला, तो इन महीनों का आप समय का सदुपयोग करते हुए किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। क्योंकि कॉन्स्टेबल रैंक का सफाई कर्मचारी कुक के अंदर तो बहुत बहुत मात्रा के अंदर कंपटीशन है, क्योंकि फॉर्म आपके इतने भरे गए हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और पीएसटी के अंदर कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि रनिंग बहुत ही बिल्कुल आसान थी। बाकी आपका कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा के अंदर एबसेंट भी हुए हैं, लगभग सभी ने वहाँ पे अपना पीएचडी कवर किया है। तो जिन कैंडिडेट को कुछ भी नहीं पता कि हमें कैसे तैयारी करनी है, उनके लिए स्पेशल बैच बना गया है। नीचे आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, पेड बैच बना गया है जिसके अंदर आपकी क्लासेज होती हैं, जीके मैथ रीजनिंग और हिंदी के आपके नोट्स भी होती हैं, क्लासेज भी होती हैं और आपके ट्रेड के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं और पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और प्रीवियस ईयर पेपर आपके इसके अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। पेड बैच है, फीस आपको आपसे ली जाएगी और जो आपको फ़ीस है जब आप मैसेज करोगे तब आपको बता दी जाएगी किस प्रकार से आपको फ़ीस देनी है और किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है। नीचे मेरे मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे थंबनेल के ऊपर, 8168 96 96 40 इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको क्या है वो दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई हलचल हुई है क्या इस भर्ती संबंधी? ऑफिशियल वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कोई हलचल हुई या नहीं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई भी हलचल दोस्तों नोटिस ना कोई नोटिस आया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट संबंधी नोटिस आते हैं, इसको जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं जितने भी नोटिस आए होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इस भर्ती संबंधी नोटिस नहीं है। देख सकते हैं ये केवल ये लेटेस्ट अपडेट है, 13/5 को ये लेटेस्ट अपडेट इन्होंने डाला गया है, बाकी इस भर्ती से रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो निरंतर तैयारी दोस्तों करते रहिए, भर्ती के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर हैं और आपका मैं फिर बता देता हूँ आपका जो है पेपर इस महीने ज़रूर कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% आपका जो है पेपर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें और जो कैंडिडेट इस भर्ती से जुड़ा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और जिन भी कैंडिडेट को तैयारी करनी है मैं फिर बता देता हूँ, जिनको तैयारी करनी है, जिनको इसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन पाना है, वर्दी लेनी है सीआरपीएफ की, जो एसएससी जीडी में रह गए थे और इस भर्ती में अपना सपना सजोए हुए है कि इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बैच ज्वाइन ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों, सभी को जय हिंद।